हेलो। कहाँ से है भाई? अरे हैप्पी दिवाली सर। ये दिवाली में ऐसा क्या है कि जो तू मुझे हैप्पी दिवाली बोल रहा है? कौन सा मतलब तेरा कुछ हैप्पी हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन त्योहार है इसलिए बोल रहा। त्योहार तो आते हैं जाते हैं, उसमें मतलब हैप्पी क्या हो गया? हैप्पी तो कुछ हुआ ही नहीं है, वही तेरी तेरी तू तो पड़े की जिंदगी जी रहा होगा, उसमें कौन सा हैप्पी हो गया? कहाँ से है रे तू? मैं उत्तराखंड। अभी वो आया था, वो भी उत्तराखंड से है, तू भी उत्तराखंड से है, मतलब क्या लगा के क्या रखा है? अभी जो आया था वो उत्तर प्रदेश से था, अच्छा, वो उत्तर प्रदेश से था। यूपी। उत्तर प्रदेश को यूपी बोलते हैं। साले घर में ही थूक रहा है तू। नहीं सर, ये देखो, बताओ, अरे और क्या करता और बताओ। आज है? बस ऐसे ही कुछ नहीं करता हूँ, आपकी लाइफ देखता हूँ, अच्छा लगता है। मैं लगा लो फोन, वहां पे चार्ज में लगाया था, बैटरी खत्म हो गई थी, वहां पे चार वो चार्जर पड़ा है ना, हाँ, वहां पे फोन ऐसे रख के चार्ज हो रहा था, मैं यहाँ खा रहा था, आपकी लाइव देख रहा हूँ 1 घंटे से। आपका बड़ा वाला फैन हूँ। मतलब बहुत बड़ा फैन है तू। हाँ फिर मतलब चलो, अब मुझे है ना तुम लोगों को बुरा बोलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम मतलब इतने नल्ले लोग हो कि अब मैं ना तुम लोगों को बोल बोल के समझाते समझाते अब मैं थक चुका हूँ, समझ रहा है तू? हाँ समझ रहा हूँ। बुरा बुरा उसको बोलो ना, हमको क्यों बोलोगे? हम छोटे, आपके जो आपको चाहते हैं, आपको 4 5 साल से फॉलो कर रहे हैं, हमको क्यों बुरा बोलोगे? बुरा उनको बोलो जो हवाबाजी दिखाते हैं, उनको बुरा बोलो। अच्छा, तो इतने सालों से तू मुझे फॉलो कर रहा है, तो मतलब तुझे कौन सी मतलब क्या तेरे तुझे मेरे अंदर क्या ऐसा दिख गया कि भाई तू इतने सालों से मुझे फॉलो कर रहा है? लोग तो बहनचो मुझे गालियां देते हैं, बोलते हैं कि पनौड़ी बहन के लौड़े, ये पनौड़ी पागल है तू, मादर चोर, लोग तो मुझे ऐसा बोलते हैं, तो तू क्यों मुझे मतलब ऐसा क्या दिख गया तेरे में मुझे? ना आपको गाली तो कोई नहीं देता, कौन? आपकी हिम्मत ही नहीं है किसी को गाली देने की। अरे ये कोई बड़वे नहीं, लोग नीचे को ये बड़वे लोग नीचे कमेंट में बहुत गालियां देते रहते हैं, तो तूने कभी ये नोटिस नहीं किया कि सारी दुनिया जब मुझे गालियां दे रही है तो तू क्यों मुझे मतलब इतना प्यार दिखा रहा है? क्यों मुझे तू मतलब रोने के लिए मजबूर कर रहा है तेरा प्यार दिखाकर? नहीं अच्छा लगता है जैसे बात करने का तरीका, सब कुछ इंसानों को ना, आपका तरीका सही है। जैसे और लोग कोई हवाबाजी करते हैं लाइव में, दिखाते हैं ये वो, मतलब आप जो बोलते हो रियल करते हो, रियल दिखाते हो। मतलब तू ये बात मानता है कि मैं एक सच्चा और रियल बंदा हूं, ये बात तू मानता है? बिल्कुल, आप रियल बोलते हो, जो भी है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, सही बात है। आपने बोला वो बात मेरे को अच्छी लगी, हैप्पी दिवाली बोला होगा, खर्चा किया होगा, सेम लोग सेम पड़ोसी को हैप्पी दिवाली बोला होगा, नया तो कुछ किया नहीं होगा, वो सही बात है, इंडिया में ऐसा होता है, वो बात अच्छा लगा मेरे को। तो मेरा जो जो दो कौड़ी का ज्ञान था वो तुझे अच्छा लगा मैंने जो बोला वो? आमिर सही बात है, नया तो कुछ हुआ नहीं है, अपने पड़ोसी को उसको हैप्पी दिवाली ये वो गिफ्ट वाला ये किया वो किया, बस यही बात, वो सही बात है।
अच्छा। और मतलब तुम काम धंधा क्या करते हो भाई? सर मैं अभी ये मैं नोएडा में हूँ, जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, नोएडा में। मतलब कोई कंपनी में जॉब करते हो? ना ना मैं रेस्टोरेंट यार मुझे तुम एक बात बताओ, ये जितने भी उत्तराखंड वाले लोग होते हैं, मतलब वो लोग ये मतलब बावर्ची का ही काम करते हैं, मतलब किचन में ये खाना बाना बनने का ही काम करते हैं? मतलब तू ये मतलब यूं समझ ले, तू है ना ये 50वां बंदा होगा उत्तराखंड से जो बंदा है ना मतलब के रेस्टोरेंट के किचन में काम करता है। मतलब ऐसा क्यों? आज ही सर उत्तराखंड के सबसे ज्यादा होटल लाइन में है, इंडिया में भी है, बाहर भी है, और आर्मी में भी बहुत रहते हैं, तो ज्यादा होटल लाइन आर्मी में रहते हैं उत्तराखंड के। तो तुम भी ये मतलब के किसी होटल में मतलब होटल में तुम खाना बना बनाते हो? ना मैं खाना नहीं बनाता, मैनेजर मैनेजर की पोस्ट में अभी, सेकंड मैनेजर। अच्छा। कौन सी होटल में हो तुम नोएडा में? ग्रेटर नोएडा में हूँ मैं, ये परी चौक में, ये सागर रत्ना, अच्छा। तो बेंगलोर की ब्रांच है ये, यहाँ पे फ्रेंचाइजी है इसकी। अच्छा, बेंगलोर की ब्रांच है। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है ये बेंगलोर का, यहाँ पे फ्रेंचाइजी है। मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूँ इस कंपनी में। अच्छा। राइट। चलो ठीक है, तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, और सब लोग नीचे बोल रहे कि पनौड़ी भाई इसकी ले लो ले लो। भाई देखो, लेना तो ऊपर वाले का काम है, मैं तो ले नहीं सकता, क्योंकि लेने के लिए मतलब इंसान के पास एक सामान होना चाहिए जो मेरे पास है नहीं। नहीं सर आपका भी एक फैन हूँ, आपकी लाइफ देखता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और अभी आज हमने भी लेट क्लोजिंग किया था, तो खाना पीना लेट ही हो रहा है, अब सोएंगे हम भी। हाँ, देखो मैं जिससे बहुत प्यार करता हूँ उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, मतलब कि वो मेरी दिल के करीब बहुत रह चुकी है वो, लेकिन आज तक मैंने उसके साथ अपना प्यार कभी जताया नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरी दिलरुबा है वो लाइफ पे आए। कहाँ गई है मेरी दिलरुबा? भग क्यों गई है? मेरी जो दिलरुबा है उसका नाम है प्रिया वत्स। प्रिया वत्स बेबी, जरा तुम नीचे कमेंट करो, मैं तुम्हें ऐड करना चाहता हूँ। देखो प्रिया वत्स, आज लास्ट डे है मेरी मर्दानगी का, मतलब कल 1 नवंबर है, तो आज की रात थी मतलब मैं जिंदगी को जी पाऊंगा। फिर तो फिर मैं 6 महीने के लिए अपना मतलब दूसरा कुछ हो जाएगा, तो आज रात से मेरे जेनेटिक चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर प्रिया वत्स तुम लाइफ पे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ पे आओ। ए प्रिया वत्स, कहाँ गई है? प्रिया वत्स एक सेलिब्रिटी है और बहुत सारे ये अपना भोजपुरी पिक्चरों में वो काम कर चुकी है, और अच्छा हाँ उसकी जो मतलब एक बॉन्डिंग है, उसका जो मतलब बात करने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आता है। अरे कहाँ चली गई? ए प्रियावत, वो इधर नहीं दिख रही है। शायद ये प्रिया वत्स अपने दूसरे किसी बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होगी, तो आज उसके साथ शायद टाइम नहीं होगा। मैंने ये सोचा था कि मतलब ये मेरी जो ढलती हुई जवानी है, तो वो ढलती हुई
हुई जवानी के मजे में थोड़े अपनी प्रिया वत्स के साथ ले लूं, लेकिन ये तो भग गई। हाँ, ये तो चली गई प्रिया वत्स। तो भाई, तुम्हारी शादी हो गई है कि नहीं हुई अभी तक? शादी होगी सर। अच्छा, तो तू यार, तुम अकेले रहते हो, मतलब ऐसे अकेले जीना तो यार मतलब बीवी बच्चे तुम्हारे कहीं हो और तुम यही होटल में कमरे में पड़े हुए हो, तो ये तो गलत बात है ना यार। अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ कोई बिरादरी में कोई एक्सपायर हो गया ना, 2-3 दिन हो रखे हैं, तो दिवाली भी नहीं मना रहे हैं हमारे, अच्छा, तो इसलिए मैं भी घर नहीं गया, नहीं तो जा रहा था मैं। अच्छा 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 यार, मतलब कितने पैसे कमा लेते हो तुम महीने के? सच बताना जो भी है वो। ज्यादा नहीं, 20 से 25 हजार रुपए, ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें से तुम पैसे कितने बचा लेते हो 20-25 हजार में से? पूरा सेविंग है, बाकी कंपनी की तरफ से है, रूम खाना पीना सब कंपनी की तरफ से है, वो सेविंग है। वो तो मतलब 20 तक तो सेफ है, मतलब इंडिया में पैसा कम है, ऐसी है, काम चल रहा है, ऐसी है, टाइम पास हो रहा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है एक समय। तो मतलब कि चलो, तुम्हारी 20 हजार रुपये की सेविंग है, तो इस 20 हजार से तुम खुश हो? खुश कहाँ है, उसमें से बच्चों की फीस है, सब कुछ, 20 हजार में घर चलाना है, सब कुछ करना है, क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। अच्छा, तो मतलब कि ये 20 हजार में से तुम्हारा कुछ बचता नहीं है? कुछ नहीं बचता उसमें भी, सब बच्चों का फीस, घर, माँ बाप, बिल्ला बुल्ला सब ऐसे है, खत्म ही है। तो तुम्हारे मम्मी पापा को भी तुम खर्चा देते हो? हाँ, मम्मी पापा भी घर पे ही है, ऐसे खेती बाड़ी वाला काम है, छोटा मोटा ही, ऐसा कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अपना काम काज है, अपना कुछ काम है, ऐसा कुछ नहीं है। यार मतलब तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी फैमिली के लिए तुमने तो यार कॉम्प्रोमाइज कर ली। मतलब यार वो ये कमरे में पूरी जिंदगी बिताना और जो भी कमाओ वो सारे पैसे फैमिली को भेज देना, यार तुम तो ऐसे बंदे हो जो जिसने मतलब खुद की फैमिली के लिए तुमने अपने आप को मतलब अपनी पूरी जिंदगी तुमने मतलब जुए पे लगा दी। मैंने जो पढ़ाई की ना, पढ़ाई में मैं अपनी स्कूल की फीस भी खुद कमा के स्कूल पढ़ा है, क्योंकि हम बहुत गरीब उससे आते हैं, तो अभी भी कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब बच्चों को तो आगे पढ़ाना ही पड़ेगा ना, हमने तो जिंदगी कैसे भी काटनी है तो काट ली है, बाकी आगे को जिंदगी बच्चों का तो सुधारना पड़ेगा ना। सही में यार, मतलब जब तुम्हारे तुम्हारे जैसे लोग लाइफ पे आते हैं ना भाई, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। फिर मैं ना मैं 3-4 दिन तक मैं रोता हूँ, पता है तुम्हें? वो लोग आते हैं ना, तुम लाइव में आते हैं, बोलते हैं, मैंने देखा है, जो खाली बहन जो 10-12 हजार की जॉब करता है, वो भी बोलता है मैं ये हूँ, वो नहीं है, हम तो रियल हैं, मेहनत करते हैं, 12 घंटे की जॉब करता हूँ, घर के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए जॉब करता हूँ। तुमने कभी, चलो ये तो ठीक है तुम काम करते हो, अच्छी बात है, लेकिन तुमने कभी अपने लिए मतलब कभी तुम्हें ऐसा, तो देखो हर एक इंसान को अपने बारे में कभी ना कभी एक सोच आ जाती है, चाहे कोई भी हो दुनिया में। मतलब तुमने तुमको भी कभी ऐसी सोच आई होगी कि यार क्या ही मेरी जिंदगी है, मतलब जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब सारी चीजें सिर्फ फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मतलब ना तो मैंने कभी अच्छे कपड़े पहने, ना तो कभी अच्छी कार में मैं घूम पाया, ना तो कभी मैंने अच्छे से अपनी जिंदगी को 1-2 दिन के लिए मैं जिया, बस 12 घंटे काम किया
रूम पे आया, दो तीन पैक लगाए, खाना खाया और सो गया। फिर से वही जिंदगी। कभी बाप का फोन आ गया कि बेटा पैसा भिजवा दे, गांव में अभी बहुत तंगी चल रही है। कभी बीबी का फोन आ गया कि पैसा भिजवा दो, लड़के की फीस भरनी है। तो तुम्हें भी मतलब कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार क्या ही जिंदगी है मेरी। मतलब इससे तो अच्छा यही होता कि यार भगवान मुझे अपने पास बुला लेता, या तो मतलब मैं खुद ही भगवान के पास चला जाता। मतलब जब तुम लोगों को देखते होगे, क्योंकि तुम तो होटल लाइन में हो, तो जब अमीर लोग आते होगे अपनी बड़ी बड़ी कार से फैमिली के साथ, तो तुम्हें भी लगता होगा कि यार काश मेरा भी बच्चा आईफोन से खेलता, काश मेरी बीवी भी ऐसे इंग्लिश में बातें करती और हम लोग भी कोई बड़ी बड़ी होटलों में रुकते। यार देखो, तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। मतलब तुम्हारा जो दिल का पेन है ना, तुम्हारे दिल का जो दर्द है, वो मैं भैया समझ सकता हूँ। लेकिन यार क्या करे बताओ, जब किस्मत में लाते खाना लिखा हो, जब भगवान ने हमारी किस्मत में मतलब सिर्फ दुख और दुख लिखा हो, तो क्या कर सकते हैं बताओ। सही बात है आपकी, सही बात है। देखो भैया, रोना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। देखो रोने से है ना, यहाँ पे रोने से कुछ नहीं होगा। ये जिंदगी जो है ना, क्या हुआ? तो मैं रो नहीं रहा हूं, मैं साले रो मेहनत मेहनत ले, कर रहा हूं। थोड़ा थोड़ा रो ले। मैं इतनी मतलब अच्छी अच्छी बातें तुझे बोल रहा हूँ, तो तुझे रोना ना चाहिए। तू बोल रहा है कि मैं रो नहीं रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो थोड़ा रो ले। मतलब जिंदगी की यही सच्चाई है मेरे भाई, समझा? जिंदगी हाँ जी, हाँ जी, की यही सच्चाई है कि बहन चो, वो तो जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन हो, कोई मरता नहीं है, समझ रहा है? हाँ। हाँ, इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई देखो देखो, तू देख देख मैं तुझे एक बात बताता हूँ। देख, बुरी मत लगाइयो मेरे भाई, मैं तुझे सच्चाई की एक बात बताता हूँ। देख, अब तू गरीब है ये तुझे पता था, कि नहीं पता था? ठीक हाँ, मेरे को तो अभी भी पता है मैं गरीब हूं। है, अब देख, तूने तूने अब एक चीज तूने तेरी जिंदगी में है ना सबसे बहुत बड़ी गलती कर ली। तुझे शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ कैसे। देख, एक तो तुझे पता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे खुद का मतलब परिवार का। अरे यार, ये वहन चो फोन आ गया, लाइ पे रही हो, फोन आ गया।